हमको जानते हैं। अरे आपका कौन नहीं जानता। तो भाई चाचा जी मिले हमारे, हमको और वो भी देखो कहाँ पे मिले हैं, कैसी जगह पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागर का दैन व्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे। जो ये वाली मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है हमारी सोनमर्ग से, और कल शाम को यहाँ पे आ गए थे। ये अपनी रही गाड़ी, इसको कर दिया था कोल्ड स्टार्ट, और अभी के देखो चिलचिलाती धूप है, टाइम बज गया है 8, हम तकरीबन लगा लो आधा पौना घंटा लेट है। कोई बात नहीं, इतना चल जाता है, कवर अप कर लेंगे। और सामने देखो भाई बहुत सुंदर, वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ पड़ी हुई है और वैसे ग्रीनरी है। तो आज हमको जो कवर करना है वो 347 किलोमीटर करने हैं यहाँ से। तो और बीच में दो तीन जगह आएंगी, जैसे कि कारगिल वॉर मेमोरियल, जो हमको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो ज़रूर देखना है। और जोजिला पास, जो इस रूट का सबसे हाईएस्ट पास माना जाता है और बहुत डेडलीस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके साइड में इतनी गहरी खाई है ना, बहुत ज़्यादा। तो मोस्टली अब क्या है, पहले लोग इस पास को करने में काफ़ी डरते थे, पर अब क्या हो गया है, बहुत रोड कंडीशन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी कर दी है, सेडान कार भी बहुत आराम से निकल जाती है। तो चलते हैं फटाफट से आगे, आपको दिखाऊंगा कि रोड कंडीशंस इस टाइम जोजिला पास की क्या है। तो गाइज जोजिला जीरो पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और अभी देख रहे हो इसकी कंडीशन, बिल्कुल पेंट वगैरह इस बारी बिल्कुल और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। हर बारी पेंट करते हैं हर बारी ख़राब हो जाए, इस बारी बर्फ़ मेरे ख्याल में ज़्यादा पड़ी इधर है इस वजह से। और ये देख रहे हो स्नोबोर्ड चल रही हैं काफ़ी बढ़िया, इधर रेंट पे बूट्स वगैरह लो और अपना आगे तक जाओ और फुल ऑन एंजॉय करो। यहाँ पे काफ़ी जो पब्लिक है वो जो सोनमर्ग रुके हैं वो यहाँ आ रहे हैं जीरो पॉइंट तक, और थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह कर रहे हैं, मस्ती करके फिर वापस निकल जा रहे हैं। पर हम लोगों को क्या है, हम लोगों को आगे निकलना है ले, और आज हर हाल में पहुँचना है। तो बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो बस अब यहाँ पे हॉर्न किया है हमने 10-15 मिनट का, बस वो कवर अप करके और फिर आगे निकलेंगे। और अभी तक तो यार ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा हमारा, रोड कंडीशन अब बहुत बढ़िया कर दी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत स्मूथ। अब ये देख सकते हो आप, ये पक्की टाइलें बिछा दी हैं, ये सीमेंटेड, इससे क्या है रोड कंडीशन बिल्कुल सही रहती है ना कि टूटता। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा ब्रेक होता था जिस वजह से बहुत परेशानी होती थी। और आगे आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से मोदी सरकार में, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ये टनल है जोजिला टनल, ये भी ओपन होने वाली है, इसका काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और जब ये चालू हो जाएगी तो फिर 24 आवर और 12 मंथ्स 12 महीने ये ऐसे ही जोजिला बंद नहीं होगा, कभी भी आपको जाना तो आप जा सकते हो। अभी सर्दियों में क्या है, थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से यहाँ पे ये बंद हो जाता है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा, हम लेह लद्दाख कभी भी जा सकते हैं। तो जी हम पहुँच चुके हैं अपना लद्दाख टेरिटरी बॉर्डर पे, और यहाँ से लद्दाख टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमारा जो ले बचा है वो बचा है 316 किलोमीटर। तो फाइनली हम लद्दाख टेरिटरी पे खड़े हैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ से लद्दाख टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। और अभी मैं खड़ा हूँ कश्मीर में, और रुको लो अब मैं आ गया कहाँ, लद्दाख टेरिटरी में, बस 2 कदम का फासला था। और ये रहा जीरो पॉइंट जोजिला पास, एल्टीट्यूड है 11649 feet, और अभी ऐसा सच हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। तो अगर हो सके आप लोग तो जैकेट वगैरह पहन लेना, हम थोड़े क्लाइमेटाइज हो गए जिस वजह से हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, पर ऐसा है तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, जिस वजह से आपको ग्लूकोन डी मिला के पानी एक एक सिप पीते रहना चाहिए, जिससे क्या आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। और बस अब चलते हैं हम भी आगे, एक दो फोटो वोटो खिंचाते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम कारगिल अथॉरिटी में एंटर कर रहे हैं, 10 77 87 55। धन्यवाद सर। तो गाइस ये एक चेक पोस्ट है, जब कारगिल अथॉरिटी में आप एंट्री करते हो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और गाड़ी का नंबर और कितने मेंबर हो वो नोट डाउन कराना पड़ता है, और बस हमने करा दिया और अब आगे निकलते हैं फटाफट से। तो अब यू लगा लो, अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, बट सर्दियों के टाइम पे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आता, सोचो कूलर, तो यहाँ पे कितनी ठंड होती होगी। तो बस इसको क्रॉस करते हुए अब आगे कारगिल की ओर निकल रहे हैं, और फटाफट पहुँचते हैं और आपको कारगिल वॉर मेमोरियल भी दिखाते हैं। और यहाँ पे कोई गाइस ये रैली निकल रही है, आप ये देख रहे हो, इन्होंने फ्लैग वगैरह झंडे लगा रखे हैं प्रॉपर,
किस चीज़ का है वो तो देखो बता नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अपने झंडे पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और उर्दू हमको आती नहीं है। One hour later. बिल्कुल देखो भाई हमें चाचा जी मिले हमारे। हमको जानते हैं? अरे आपका कौन नहीं जानता। तो भाई चाचा जी मिले हमारे हमको और वो भी देखो कहाँ पे मिले हैं, कैसी जगह पे। कहाँ जा रहे हो? लद्दाख ले जा रहे हो वही दोबारा से पूरा सर्किट? ये तीन बार चल रहा है, तीसरा ना, ये तीसरा। तो आपको देख के सच बता रहा हूँ सैल्यूट यार, बहुत खुशी मिलती है हमको। निकले थे? नहीं नहीं ये वाला है 18 जून को 2023 को निकला था। अच्छा साउथ कंप्लीट करके आके श्रीनगर में रुका, इधर भी इसको बनाया बनाकर फिर 22 मई को फिर शुरू किया। ये क्या बनाया इसी में रुकते रुकने? बाईसाइकिल कैंपर है, बाईसाइकिल कैंपर इंडिया में फर्स्ट टाइम बाईसाइकिल कैंपर ऑन लद्दाख। वाह जी वाह, देख लो जी चाचा ने खुद बनवाया है ये, तो देख रहे हो आप कितना बढ़िया तरीके से बनवा रखा है। और इनको तो कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस है यार ये, सब जानते हैं। ये देखो इन्होंने ऑल इंडिया 21 में किया, 2022 में किया, 23 में किया और अब 24 में भी चल दिए हैं जेके श्रीनगर टू कोलकाता। अब ये जा रहे हैं लेह लद्दाख, तो नो डाउट अपना आज का स्टॉप, आज का स्टॉप और 15 किलोमीटर जाके स्टॉप करेगा कल कारगिल से। सुबह कहाँ से चले थे? मेमोरियल से। अच्छा कारगिल वॉर मेमोरियल, बहुत बढ़िया लगा। चाचा क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? कोई ठीक नहीं है हमारा खाने का, कोई ठीक नहीं है। हम तेल घी मक्खन नहीं खाता है, तेल घी मक्खन बिरयानी नहीं खाता है। अच्छा बाकी सब खाता है। केक वगैरह कुछ खाओगे? हाँ केक खाएगा, केक खाएगा। केक लाओ ना फिर, लाओ चाचा के लिए। ये आपने वाक्य में बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। इसमें सोच 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 सोता है रात को। बहुत बढ़िया बनाई है, तो ये पूरा ये खुल जाता है ये आपका? अच्छा अच्छा ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह 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 वाह। पानी वगैरह है आपके पास? पानी है, ठीक है। अगर होता है हो सके तो थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा पानी और भर दीजिए। बहुत बढ़िया लगा चाचा आपसे मिलके। हमको भी बहुत बढ़िया लगा जो आपने हमको पहचानता है। अरे बिल्कुल, आपको कौन नहीं पहचानता। कोई नहीं, बोतल ही रखो, बोतल ही रखो। बढ़िया मजा आ गया, मजा आ गया आपसे मिलके, वाकई में बढ़िया लगा। तो भाई चाचा जी की फेमस साइकिल है, फेमस। उम्र में लोग घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं। ऑल इंडिया राइड पे निकले, ऑल इंडिया राइड पे निकले हमारे चाचा, देख लो इस एज में भी। चाचा कितनी एज होगी अपनी? 56। तो वाह भाई वाह, तो वो कहते हैं ना बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। तो भाई चाचा से मिलके बहुत अच्छा लगा, तो बस हम भी आगे चलते हैं आगे की और अपना सफर तय करते हैं, और चाचा भी तय कर रहे हैं अपना सफर। बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी चाचा से, ठीक है जी। जय हिंद जय भारत जय भारत। स्माइल भाई की स्माइल। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मूल बैक चंबा, जैसे कि हमारा मनाली में है चंबा उस तरफ, वैसे ही है ये मूल बैक टेम्पल जो कि इस रूट पे पड़ता है। तो अगर आप आओ तो इस टेम्पल में ज़रूर जाना। और वो आप सामने देख रहे हो पहाड़, ये जो है चट्टान, इस चट्टान पे ये लगा लो प्रॉपर कटिंग करके ही बहुत सुंदर ये लगा लो बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई हुई है, बहुत सुंदर जो कि। और यहाँ की जो फीस है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो बस अभी हम अंदर जा रहे हैं और मत्था टेकते हैं यहाँ पे, और जो अपना सफ़र है वो आगे ले की और फिर निकलेंगे। तो गाइस हम एंट्री कर चुके हैं और ये देखो आप प्रतिमा, तो आप आए इस रूट पे तो एक बार रुके हैं ज़रूर और यहाँ पे मत्था टेकें और आशीर्वाद लें और आगे निकले। तो गाइज पूरे दिन की ड्राइव के बाद अब बज चुके हैं 3:30 और हम पहुँच चुके हैं
इस रूट के श्रीनगर ले के सबसे पास है उस पे जो कि है नाम इकला, जो कि है एल्टीट्यूड 12,198 फिट। और आप देख रहे हो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हवा चलती है, तो आप जब भी आओ तो अपना ये जैकेट वगैरह पहन के आना, क्योंकि बीमार होने का खतरा ज़्यादा होता है। हाई एल्टीट्यूड है जिस वजह से KMS होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो कैसा लग रहा है? फुल चिल्ड हवा है भाई, धक्के मार रही है हवा, बहुत तेज हवा है भाई, बहुत तेज जो धक्के हुए थे ना बिल्कुल हवा में, कोई पतला दुबला होता उड़ भी सकता है। प्रेस कर दिए कि भागो यार। हाँ तो बस फोटो वोटो खिंचाते हैं बढ़िया सी, और फिर चलते हैं आगे लेक की ओर। रास्ते में पत्थर साहिब गुरुद्वारा एक, वो भी कोशिश करेंगे टाइमली पहुँच के, तो वो भी कवर अप करेंगे और फिर आगे लेक के लिए प्रस्थान करेंगे। और वेदर देख रहे हो आप, वेदर काफ़ी हद तक ख़राब हो रहा है, ये पूरा ब्लैक हो रखा है, और आगे भी देखो ये सारा ब्लैक हो रखा है। काले बादल ना हो हम तो यही प्रे करेंगे। 2 hours later. तो गाइज हम इस रूट के थर्ड पास पे पहुंच गए हैं जो कि है फोर्टुला टॉप, जिसकी एल्टीट्यूड है 13,469। तो बस पास हो गया है क्रॉस, हम यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो है क्या है मिलिट्री के जवान यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। तो हम ये कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे, और वेदर आप देख सकते हो आगे का ख़राब है काफ़ी, हमें बस बारिश ना मिले और सब बढ़िया चल रहा है अभी तक। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं लामा यूरू विलेज, जिसको सेकंड बोला जाता है मून लैंड। वो आप मेरे सामने देख रहे हो वो है लामा यूरू गोम्पा, और आज यहाँ पे है कोई फेस्टिवल जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम ले तक पहुँचते पहुँचते हमें लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा टाइम, जिस वजह से हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं आगे जा रहे हैं। और इस विलेज का जो एल्टीट्यूड है वो है 11,893 फीट, और अब ये देख रहे हो इसको मून लैंड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब इस तरीके की एक ये लगा लो लैंड है ये, जैसे कि मून पे होती है, हमने काफ़ी सारी रील्स वगैरह में भी देखा होगा। तो और आगे आगे जाओगे तो और भी ज़्यादा आपको सीनरी उस तरीके की दिखाई देगी। तो आगे चल के देखते हैं हमें भी क्या कुछ दिखने वाला है। तो आप ये देख रहे होंगे ये है प्रॉपर वो जो मून लैंड, इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी आपने जो चर्चा सुनी होगी वो इसी के बारे में है। तो इस तरीके से बना हुआ है, बड़े काफ़ी डिफरेंट, और जैसे मून पे हमारे लैंड होती है ना उस तरीके का कुछ है ये। तो यार ऐसा कुछ आपको देखना है तो आपको तो लद्दाख आना पड़ेगा। तो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, हम पहुंच चुके हैं राइट नाउ संगम पे, और जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो ये है संगम, वो आ रही है जांस्कार, और ये है इंडस, यहाँ पे आकर इनका संगम होता है। और यहाँ पे ना रिवर राफ्टिंग भी होती है, बट अभी मेरे को दिख नहीं रहा फ़िलहाल के लिए, बट यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर राफ्टिंग का। मे बी शायद अब टाइम ज़्यादा हो गया है जिस वजह से कि अभी नहीं हो पा रही है, दिन में होती है रिवर राफ्टिंग, अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं। और यार एक ही बहुत अच्छा प्लेस है, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो तो संगम भी एक बार ज़रूर आएँ और आके यहाँ पर देखें। तो गाइज़ अभी देख रहे हो अब हम पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल, ये है मैग्नेटिक हिल, और इसके बारे में बता कहा जाता है कि जैसा अभी ये देख रहे हो ये सामने देखो आप मेरे, वैसे तो देखा जाए तो पहाड़ हाइट पर है और अगर आप यहाँ पर रोक दोगे तो गाड़ी अपने आप चलेगी, पर मुझे ज़्यादा लगता है ऐसा जैसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगर कहोगे तो टेस्टिंग भी करके दिखा दूंगा, इम्पॉसिबल है वो चीज़, क्योंकि आगे वाली गाड़ी देखो वो बिल्कुल खड़ी हो गई है, और हमारी भी लगा मैंने फर्स्ट गियर में लगा के 11 की स्पीड पे 12 की स्पीड पे चल रही है, तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ये नहीं चलती है। ये देखो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो रही है। और हाँ अगर आपको ट्राई करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, खुद फिजिकली देखना पड़ेगा, हम कब तक दिखाएं भाई। देख लो मेरी गाड़ी इतने चल रही, मैंने लगा ली तीसरा गियर और गाड़ी चल रही 40 भी नहीं हो रही, 38। ये देखो कम हो रही है मैग्नेटिक हिल पे, सब कहते हैं बढ़ती है, लो छोटा गियर भी कर लिया तो भी जोर लग रहा है। तो जी हम आ चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और अभी यहाँ लगाते हैं गाड़ी को शेड में, और मेरे भाई ने बनानी है वीडियो। ये देखो जी ये है गुरुद्वारा, वाहिगुरु जी जय भोले शंकर हर महादेव।
हम पहुंच चुके हैं ले और ऑलमोस्ट लगा लो आधी टंकी से ऊपर है हमारी और यहाँ पे अभी डीजल फुल करा रहे हैं एचपी से और यहाँ पे रेट है 87.37। डीजल फुल कराने का रीज़न मेरा यह है, लास्ट टाइम जब आया था तो थोड़ा सा शॉर्टेज हो गई थी यहाँ पे डीजल की, जिस वजह से काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी, तो इस चक्कर में मैं अभी ही फुल करा रहा हूँ कि कल को मान लो कोई शॉर्टेज आती है, कोई दिक्कत होती है एक दो दिन में, तो अपने को कोई इशू नहीं होगा, फुल होगी तो हम आराम से आगे चले जाएंगे।